आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। किराया का मकान लेकर के उसमें रह रहे थे, हमने उनमें से 150 आदमियों से ये वादा किया था कि हम मकान बना करके देंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम जिस तरह के मकान बनाते हैं वो आपके सामने हमने उन मकान को बनाया दे रहे हैं। ये 150 मकान हैं, 150 हमने आज 85 मकान बना दिए। 83 हमारा सामान रखा हुआ है उसके अंदर, हम अल्लाह चाहेगा तो 65 मकान जहाँ इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है बना करके कुछ दिनों के बाद उनको दे देंगे, फिर आपको बुलाएंगे। मकसद इस बुलाने का और इस वक्त मीडिया बुलाने का ये है ताकि इन लोगों ने हमारी मदद की इस काम के लिए, वो मुतमईन हो जाएं कि जो पैसा उनका था वो अपनी जगह पर लग गया। मौलाना साहब, क्या ये मुस्लिम परिवारों को ही दिए गए हैं या अन्य? यहाँ नहीं, यहाँ जो लोग आए थे हमारे सामने वो सिर्फ मुस्लिम ही परिवार थे, और जो लोग गैर मुस्लिम थे उन्होंने अपनी ज़रूरत का हमसे कोई नहीं किया। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ था तो जो लोग आए हमने उनको देखा, किसी के पास गए नहीं। राम जन्मभूमि को लेके विवाद है तो ये कोई लेकर अभी एक बयान आया था कि वहाँ जो है मस्जिद बनाना जो है हमारे लिए नहीं है, तो आप कहाँ भाई थोड़ा नीचे कर लो, जा रही है। हमारा मुतालबा यही है कि मस्जिद वो अल्लाह का घर है, हमें देने का हक नहीं है। हम कहाँ तक उतर सकते हैं, लचक हमारे यहाँ वो हमने जो 3 जजों की अयोध्या में बैठी हुई है हमने उनके सामने पेश कर दिया। वो अभी एक गुप्त चीज है जो हमने उनके सामने वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन मस्जिद मस्जिद है, हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम उसे छोड़ें। मौलाना साहब, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि 44 भारतीय सैनिक जो है आतंकियों द्वारा मार दिए गए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ना मैं कश्मीर में था, ना मैंने मरते हुओं को देखा, ना मारते हुओं को देखा, यार मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। नहीं, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इसमें? मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ा हुआ है, इसकी सजा भी नहीं होगी। मैं तो जानता नहीं हूँ क्या हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है और हुआ होगा यकीनन, इसलिए कि लोग कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुल्मदाती फौज का क्या क्या किरदार था उसमें, मार दिया गया, मारा गलत, उनका तो वो तो मुलाजिम है, गवर्नमेंट का मुलाजिम कहे यहाँ हमला करो, वहाँ कहने को मुलाजिम कहे ना करो, वो अपने हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। किसी को इस तरीके पर जुल्म ज्यादती का शिकार नहीं होना। अच्छा, दो मुल्कों की जिस तरह से ये तानाकशी चल रही है इसके बारे में भी आप? हमारा हमेशा से ये मुद्दा है कि मसाइल का हल गुफ्तगुशनीद से होता है, जंग व जिदाल से नहीं होता। आज भी हमारा मुद्दा यही है कि मसाइल को ताकत के बलबूते पर नहीं किया जा सकता, और ऐसे दो मुल्क जो एटमी ताकत हैं वो आपस में लड़ बैठे, ये तो बहुत ख़राब इंसानियत को भजन कर दिया। हम अपनी जगह पर हैं कि मेरी 44 नंबर वसीमा सौजा महबूब, 45 अब्दुल हमीद वज मुंशी, अब्दुल हमीद वज मुंशी 45, मुनीबा सौजा महबूब 46। ठीक है, किन हालत में आप कहाँ की रहने वाली? किन हालात में मकान छोड़ना पड़ा, आज मकान मिल रहा है, कैसा? फातिमा लिखे थे, फातिमा किराओ पर रहते, फिर मकान मिल गया, दिन मरे लगे बटों पर मजदूरी कराए। क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं मिला। आज मकान मिला है क्या? आज मिला। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कहाँ रहते थे और किन हालातों में आपको मकान छोड़ दिया? अजी जब झगड़ा सा आया उस दिन चले गए थे हम। कब हुआ? काफ़ी दिन हो गया साहब, 2013 में जो हुआ। लोनी किराए का रहता है। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली थी? कुछ नहीं मिली थी, किराए पर है कि हमको भट्टा का काम कर लिया, किराए पर रहेगा। आज हमें मकान की चाबी मिली, बहुत खुश है जी हम, ज़्यादा खुश है। क्या करते सरकार को, तो कुछ हुआ नहीं, हो जाती तो अपना जी जुकर भी करा जी, भी करा कर मदद करी पूरी। आज हम खुश है, हम किराए पर रहते हैं,
हमारा कहाँ हाथ जाप्तों का पूरा पटा अपना किराए का पूरा पाटना भारी हो जाए जी, जाप्तों का कहाँ पाटा है, किराया दे लो चाहिए अपना जाप्तों का पाट, गरीबी आदमी क्या कर सकते हैं, तंग होगा बस यही कहना चाह रहे जी, हम तो आ गया हम खुश हैं जी।